Now, we are going to discuss about the mediators of inflammation. Now, what are the mediators? Generally, there are two categories of mediators. First is the cellular mediators and other is the plasma mediator of inflammation. सेलुलर जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा जो प्लाज्मा के अंदर होंगे. सी, सेलुलर में आगे फर्दर दो डिवीजन है. वन इज प्री फॉर्म्ड, ये ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. एंड सेकेंड वन इज न्यूली फॉर्म्ड, जब इन्फ्लामेशन होगी ये तभी बनेंगे. दैट आर द न्यूली फॉर्म्ड मीडिएटर्स. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स? तो फर्स्ट एग्जाम्पल प्रीफॉर्म के, दैट इज हिस्टामिन. सेकेंड इज सेरोटोनिन. थर्ड वन इज न्यूरोपेप्टाइड्स. एंड फोर्थ वन इज व्हाट? दैट इज लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स. अब न्यूली फॉर्म्ड की क्या एग्जाम्पल है? दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड. सेकेंड इज अरेक्डोनिक एसिड. थर्ड इज साइटोकाइंस. फोर्थ इज कीमोकाइंस. एंड फिफ्थ वन इज, नाउ जो लास्ट फैक्टर है, दैट इज व्हाट? प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर. इट इज प्लेटलेट Activating factor. Now we will discuss preformed cellular mediators of inflammation. So first one is histamine. So ये जो histamine होता है, मैंने आपको बताया, ये कहाँ से secrete होगा? From the mast cells. So what is the richest source? Source of histamine, that is mast cell की जब degranulation होगी ना, तो क्या release होगा? Histamine will be released because of the degranulation of mast cell. Histamine क्या है? It is the earliest mediator released from all the cellular or newly formed or plasma mediators. सबसे पहले कौन release होगा? That is histamine. It is the earliest mediator. To be released. Got it? और generally see, जो ये mast cells होते हैं ना, ये basophilic होते हैं. ये क्या होते हैं? Basophilic होते हैं. तो आप इनको stain कर सकते हो किस टाइप से? That is toluidine blue. You can use this. Toluidine blue to stain mast cells. Got it? Ab what is the action of histamine? Action of histamine. So first action iska kya hai? That is vasodilation. Second function kya hai? That is increase of vascular permeability. And third function क्या है? That is contraction of smooth muscles. Got it? Now second mediator is serotonin. Now the richest source for serotonin is what? That is platelets. Platelets are the richest source. Now हमने बोला richest source of serotonin क्या है? That is platelet. और अब ये serotonin deliver कैसे होगा? The delivered form of serotonin is what? That is 5-hydroxytryptamine. So delivered form क्या है इसकी? 5-hydroxytryptamine.
अब ये जो सेरोटोनिन होता है, ये आप सबको पता है ये क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है. दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर. जनरली ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ वर्क करेगा, मेनली जीआईटी में. और व्हाट आर द एक्शंस ऑफ सेरोटोनिन, एक्शंस ऑफ सेरोटोनिन. सो दिस सेरोटोनिन हैज सिमिलर एक्शन एज ऑफ हिस्टामिन. सो फर्स्ट क्या है, हिस्टामिन का फर्स्ट फंक्शन क्या था, वेजोडाइलेशन. सो इट विल डू वेजोडाइलेशन. सेकेंड इज इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी. एंड थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल. सो दिस इज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन. सी नाउ थर्ड सेलुलर मीडिएटर इज व्हाट, दैट इज न्यूरोपेप्टाइड. न्यूरोपेप्टाइड, न्यूरोपेप्टाइड की जो आपने एग्जाम्पल याद रखनी है यहाँ पे वो क्या है, दैट इज सब्सटेंस पी. एग्जाम्पल इज सब्सटेंस पी. और ये इसका एक्शन अगर कोई पूछे तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ न्यूरोपेप्टाइड, दैट इज पेन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन. नाउ इवन दिस सब्सटेंस पी, लाइक यू नो इन वॉमिटिंग सेंटर कहाँ होता है, मेड्यूला में. मेड्यूला में मेनली एरिया पोस्ट्रेमा होता है जहाँ पे ये सब्सटेंस पी एक्ट करेगा एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. और ये क्या करवाएगा, वॉमिटिंग इनिशिएशन करवा सकते हैं. सो इट कैन इवन लीड्स टू वॉमिटिंग. फोर्थ जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है, दैट इज लाइसोसोमल ग्रैन्यूल. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स के बारे में. जनरली दो कैटेगरीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी एजेरोफिलिक बोलते हैं, सेकेंडरी स्पेसिफिक होती है. और जो प्राइमरी के एग्जांपल्स वी हैव डिस्कस, माइलोपरोक्सीडेज, डिफेंसिन, एंड सेकेंडरी की अल्कलाइन फॉस्फेटेज. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेलुलर मीडिएटर्स एंड दे आर, दीज आर वॉट, दे आर द प्री फॉर्म्ड सेलुलर मीडिएटर्स. नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट द form, newly formed cellular mediators. Newly formed cellular mediators. इसमें first mediator क्या है, that is nitric oxide. You know nitric oxide कैसे synthesize होगा, nitric oxide will be synthesis from a nitric oxide will be synthesized from amino acid. कौन सा है वो, that is arginine, L-arginine. In the presence of what enzyme, that is nitric oxide synthetase. Nitric oxide synthetase or CGMP की presence में L-arginine will converts to nitric oxide. Got it? अब वो पूछ सकते हैं व्हाट आर द एक्शंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. सो एक्शंस, फर्स्ट जो इसका एक्शन है वो क्या है, दैट इज सिमिलर विद द हिस्टामिन, वेजोडाइलेशन. सेकेंड इसका जो एक्शन है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, मेनली व्हाट, पेरोक्सी नाइट्राइड. ओके, थर्ड जो इसका फंक्शन है, दैट इज प्लेटलेट एंटी एग्रीगेटरी. प्लेटलेट एंटी एग्रीगेटरी फंक्शन. यू नो जब भी कभी आपने देखा हो हार्ट पेन का कोई भी पेशेंट आएगा तो आप नाइट्रोग्लिसरीन देते हो उसको, ठीक है. नाइट्रोग्लिसरीन का मेन यही एक्शन है, दैट इज ऑल्सो अ प्लेटलेट एंटी एग्रीगेटरी. सो नाइट्रो ग्रुप मेनली ये इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है. नाउ सी सेकेंड जो इसमें मीडिएटर आएगा वो क्या है, दैट इज एरेकिडोनिक एसिड. एरेकिडोनिक एसिड, अब ये जो एरेकिडोनिक एसिड है ये कैसे बनेगा, ये हमारी क्या है, this is the plasma membrane or cell membrane of the cell and it is composed of what, phospholipids. ye kiski bani hoti hai, phospholipids ki.
अब कोई इंजरी हुई, उस इंजरी की वजह से या कोई भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, उसका नाम क्या है, फॉस्फोलाइपेस A2। अब ये फॉस्फोलाइपेस क्या करेगा, ये इस फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है इसको ब्रेक कर देगा। जब ये फॉस्फोलाइपेस A2 इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक कंपाउंड निकलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एरेकिडोनिक एसिड। अब ये एरेकिडोनिक एसिड डिपेंड करता है कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है। सो सी, अगर तो कॉक्स प्रेजेंट है, कॉक्स क्या है, इट इज साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम। सो साइक्लो ऑक्सीजनेज, ठीक है, अगर तो साइक्लो ऑक्सीजनेज है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम दिस एरेकिडोनिक एसिड विल फॉर्म व्हाट, फर्स्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिंस, ओके, फर्स्ट क्या बनाएगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिंस बनाएगा। सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस, जैसे कि PGI2, PGE2, PGF2, PGA2, G2, D2, F2, ऐसे बहुत से हैं, F2, G2, A2, D2, ये सारे क्या हैं, दीज आर द वेरियस प्रोस्टाग्लैंडिंस, ओके। दूसरा साइक्लोऑक्सीजिनेज की हेल्प से एरेकिडोनिक एसिड क्या बनाएगा, दैट इज थ्रोम्बोक्सिन ए। थ्रोम्बोक्सिन ए बनेगा। एंड सिमिलर वे में हमने कहा यहाँ पे साइक्लोऑक्सीजिनेज होगा तो दो कंपाउंड्स बनेंगे, कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। अब अगर यहाँ पे लाइपोऑक्सीजिनेज हुआ, दूसरा क्या है, लाइपो ऑक्सीजिनेज एंजाइम जिसको हम लॉक्स बोलते हैं, अगर तो ये प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपो ऑक्सीजिनेज क्या बनेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू थिंग्स, एक जो चीज बनेगी दैट इज 5-LOX, और सेकेंड जो चीज बनेगी दैट इज वॉट, 12-LOX। अब ये जो 5-LOX है ये क्या बनाएगा आगे चल के, ल्यूकोट्रीन्स, दिस विल फॉर्म ल्यूकोट्राइन्स, एंड ये 12-LOX ये बनाएगा लाइपोक्सिन्स। अब कौन कौन से ल्यूकोट्रीन्स बनेंगे, LTA4, LTB4, C4, D4, E4. These are the leukotrienes that gonna form. And अगर हम बात करें lipoxins की, तो mainly कौन कौन से बनेंगे, LXA4 and LXB4. Now, what is the function of these leukotrienes? So first see, ये जो leukotrien A है ना, ये क्या करेगा, इट विल हेल्प ल्यूकोट्रीन B4 फॉर्मेशन। सो ल्यूकोट्रीन A की A4 की वजह से क्या बनेगा, ल्यूकोट्रीन B4 बनेगा, और ये जो ल्यूकोट्रीन B4 बनेगा ना, इसका क्या फंक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कीमोटैक्सिस। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीमोटैक्सिस, गॉट इट। नाउ ये जो बाकी ल्यूकोट्रीन्स बचे कौन कौन से, LT4, D4, E4, ये क्या है, दे आर द स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस फॉर एनाफिलैक्सिस। दीज आर व्हाट, दीज आर द स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस फॉर एनाफिलैक्सिस, और जर्नली ये क्या करवाएंगे, दे विल डू वेसो कंस्ट्रिक्शन। सो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, दैट इज व्हाट, जो ल्यूकोट्रीन्स है ना, दे आर पोटेंट वेसो कंस्ट्रिक्शन। सो ल्यूकोट्राइन्स
आर पोटेंट वेसो कंस्ट्रिक्टर्स. गॉट इट? नाउ लाइपोक्सिन्स. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइपोक्सिन्स? सी, अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो सारे क्या थे? दे आर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स. ठीक है, बट ये जो ये जो 12 लॉग्स है ना, ये क्या है? दिस इज एंटी इन्फ्लामेटरी. दिस इज व्हाट इट इज, एंटी इन्फ्लामेटरी. गॉट इट? ये सारे क्या है? इन्फ्लामेटरी, एक्सेप्ट ये जो हमारे LTA4 या LTB4 बने, ये क्या है? दे आर एंटी इन्फ्लामेटरी. सो ये क्या करेंगे? ये नेगेटिव रेगुलेशन कराएंगे ल्यूकोट्रेन्स की. सो व्हाट दे विल डू? दे विल डू नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ ल्यूकोट्रेन्स. गॉट इट? नाउ कम टू दीज प्रोस्टाग्लैंडिंस. सो लॉग्स की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोमोक्सिन बने. अब देखें ना, आस्क यू, व्हाट इज द एक्शन ऑफ दीज प्रोस्टाग्लैंडिंस? सो जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन का सेम फंक्शन होगा एज ऑफ हिस्टामिन. सो दे हैव सेम एक्शन एज हिस्टामिन. क्या एक्शन होगा इनका? वही वेजोडाइलेशन विल बी देयर, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी विल बी देयर, ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल विल बी दैट. ठीक है, अलॉन्ग विद हिस्टामिन के ये थ्री फंक्शंस, देर इज वन मोर फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, दैट इज प्लेटलेट एंटी एग्रीगेटरी. ओके, नाउ देर इज वन एक्सेप्शन. मैंने बोला सारे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं? दे आर वेजोडाइलेटर्स. बट देर इज वन एक्सेप्शन, और वो क्या है? PGF2 क्या है? इट इज फॉर वेजो कंस्ट्रिक्शन. बाकी सारे वेजो डायलेशन करेंगे, ये क्या करेगा? PGF2 इट विल डू वेजो कंस्ट्रिक्शन. एंड ये जो PGE2 होता है ना, PGE2 इज फॉर फीवर. जस्ट रिमेम्बर, ये फीवर कॉज करेगा. नाउ we'll discuss about thromboxane A2. Second is thromboxane A2. Now, what is the function of thromboxane A2? This thromboxane A2 is for what? It will do vasoconstriction, plus this thromboxane A2 is platelet aggregatory. Just highlight this. This is platelet aggregatory, whereas the prostaglandins are what? They are anti-aggregatory. So these are all about the arachidonic acid. Now we're gonna discuss about the third newly formed mediator, that was cytokines. So ये जो cytokines होते हैं, generally they are made up of peptides. ये peptides के बने होते हैं, and they are highly specific. अब क्या क्या examples है cytokines की? So examples, interleukin 1, और interleukin 1 किसके लिए होता है? इट इज फॉर फीवर. अभी मैंने एक और चीज बताई थी, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन E2, दैट इज ऑल्सो फॉर फीवर. सेकेंड जो एग्जाम्पल है साइटोकाइंस की, दैट इज वॉट, interleukin 4, interleukin 6. This is for what? This is pro and anti-inflammatory. This is pro and anti-inflammatory. Third interleukin, जिसके बारे में discuss करेंगे, that is interleukin 5.
इंटरल्यूकिन 5 क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द इसिनोफिलिक काउंट. ये इसिनोफिलिक ये क्या करेगा, इसिनोफाइल्स को इंक्रीज करवाएगा उनका नंबर. फोर्थ इज इंटरल्यूकिन 8. इंटरल्यूकिन क्या करता है, सिमिलर वे में जैसे 5 इसिनोफिल्स का नंबर बढ़ा रहा था तो इट विल इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स. फिफ्थ इज द इंटरल्यूकिन 10, 13 एंड TGF बीटा. इंटरल्यूकिन 10, 13 एंड TGF बीटा. सो व्हाट इज दिस TGF बीटा, इट इज द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर. ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों एंटी इंफ्लामेटरी हैं. ये तीनों क्या है, एंटी इंफ्लामेटरी हैं. व्हाट इट नाउ, अगर हम बात करें ओनली अबाउट TGF बीटा तो ये क्या करता है, ये मेनली क्या कराएगा, फिब्रोसिस करवाएगा. इट विल डू फिब्रोसिस. सो एंटी इन्फ्लामेटरी में भी इसका रोल है और फिब्रोसिस में भी इसका रोल है. अगला जो एग्जांपल है दैट इज VEGF. नाउ व्हाट इज दिस VEGF, इट इज अ वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर. और ये क्या करवाएगा, मेनली एंजियोजेनेसिस. दिस विल डू एंजियोजेनेसिस. एट्थ जो एग्जांपल है दैट इज इंटरफेरॉन अल्फा. सो दिस इंटरफेरॉन अल्फा अलोंग विद द ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये बोथ क्या करवाएंगे, दे आर एक्यूट इंफ्लामेटरी मार्कर. दे आर एक्यूट इंफ्लामेटरी. एंड टेंथ दैट इज इंटरफेरॉन गामा. इंटरफेरॉन गामा क्या करेगा, ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा. दिस विल एक्टिवेट मैक्रोफेजेस. गॉट इट. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट साइटोकाइंस. यू हैव टू रिमेंबर दिस. क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी इन्फ्लामेटरी, और एग्जांपल्स में इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 8 और इंटरल्यूकिन 10, 13 ऐसे दिया हुआ है. तो यू विल गो विद वॉट, दैट इज इंटरल्यूकिन 10, 13 एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा. सो इन दिस वे यू कैन गेट द क्वेश्चन. नाउ द फोर्थ न्यूली फॉर्म्ड मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन इज वॉट, दैट इज कीमोकाइंस. कीमोकाइंस, ये जो कीमोकाइंस होते हैं ना, ये दे आर अ केमिकल्स फॉर अट्रैक्टिंग WBC. ठीक है, दे आर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना कीमोकाइंस क्या है, दे आर केमिकल्स फॉर अट्रैक्टिंग WBCs. और ये जनरली सिस्टीन के बने होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ सिस्टीन. व्हाट इट नाउ, ये जो कीमोकाइंस हैं ये जनरली फोर टाइप्स के होते हैं. फोर टाइप्स ऑफ कीमोकाइंस आर देयर. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज अल्फा कीमोकाइन, जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सी एक्स सी. मतलब सी इज सिस्टीन, दिस इज ऑल्सो सिस्टीन, एंड एक्स कोई भी अदर अमाइनो एसिड हो सकता है. सो अल्फा इज दिस. अल्फा कीमोकाइन किसके लिए होता है, मेनली दिस इज फॉर न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट. This is for neutrophil recruitment. Second is beta. Beta को कैसे represent करोगे आप, That is CC. This is made up of cysteine. And cysteine
और इसका फंक्शन क्या होगा, जितने भी WBC हैं एक्सेप्ट न्यूट्रोफिल्स, ये उन सबको क्या करेगा, रिक्रूट करेगा. सो ऑल WBCs एक्सेप्ट न्यूट्रोफिल्स. ओके, थर्ड जो कीमोकाइन है दैट इज व्हाट, दैट इज गामा. गामा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ओनली विद सी. इसका क्या मेन वो है, दैट इज लिम्फोसाइट रिक्रूटमेंट. इट विल डू लिम्फोसाइट रिक्रूटमेंट. एंड फोर्थ इज व्हाट, दैट इज डेल्टा. इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, CH3C के साथ. Now this delta is for what? That is for mononuclear cell recruitment. इसकी example क्या है, fractal N. Okay. Now we will discuss about the platelet activating factor. Now this platelet activating factor is a most important mediator. Most important mediator. Generally इसका क्या क्या function होगा, ये पहला it will do aggregation of platelets. Second, it will do what? Vasodilation. Increase vascular permeability and contraction of smooth muscles. So these are the all function of this platelet activating factor. So students, अब हम बात करेंगे second mediator of inflammation के बारे में, जिसका नाम है plasma mediators of inflammation. ये जो प्लाज्मा मीडिएटर होते हैं, जर्नली इसमें दो चीज़ें आती हैं. फर्स्ट वन इज द काइनिन एंड क्लॉटिंग सिस्टम. फर्स्ट इज द काइनिन एंड क्लॉटिंग सिस्टम एंड अदर वन इज द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे काइनिन एंड क्लॉटिंग सिस्टम के बारे में. काइनिन एंड क्लॉटिंग सिस्टम. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस काइनिन एंड क्लॉटिंग सिस्टम, सी हियर प्री कैलिकैरिन होता है, वो प्री कैलिकैरिन कन्वर्ट हो जाएगा कैलिकैरिन में और उस कैलिकैरिन से बनेगा ब्रेडीकाइनिन. सो मेनली ये जो काइनिन एंड क्लॉटिंग सिस्टम है ना, क्या बनाता है, ब्रेडीकाइनिन. आपको पता है ब्रेडीकाइनिन क्या है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स. सो इससे मेनली क्या सिंथेसिस होती है, ब्रेडीकाइनिन्स की. ओके, कैसे होगी, सो सी हाउ दिस प्री कैली कैरन मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इंटू कैलिकैरिन एंड दिस कैलिकैरिन इन टर्न्स फॉर्म व्हाट, ब्रेडीकाइनिन. अब यहां पे प्री कैलिकैरिन टू कैलिकैरिन कन्वर्जन में एक चीज लगेगी, वो क्या है, दैट इज फैक्टर 12. फैक्टर 12 की प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होगा. और कैलिकैरिन टू जो ब्रेडीकाइनिन बनते हैं ना, उसके लिए क्या चाहिए हमें, हाई मॉलिक्यूलर वेट. इट इज हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन. सो हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन कन्वर्ट्स कैलिकैरिन इनटू ब्रेडीकैरिन. नाउ व्हाट इज द एक्शन ऑफ दिस, व्हाट इज द एक्शन ऑफ दीज ब्रेडीकाइनिन. फर्स्ट they are for what, for
pain plus they do vasodilation, increased vascular permeability and contraction of smooth muscle. Contraction of smooth muscle. So we can say the function of bradykinin is similar as of histamine. Okay. Now the second pathway that will come under this plasma mediators, that is what? Complement system. Complement system. So ये complement system क्या है? Generally it is a group of plasma protein or complement proteins. ये complement proteins क्या करेंगे? Generally ये destroy करेंगे pathogen को. तो see, it is a group of plasma proteins or complement proteins. और ये excrete कहाँ से होंगे? Liver से. Liver में बनते हैं ये. You know, जो भी protein है वो कहाँ बनते हैं? Liver में. So, complement भी कहाँ बनेगा? Liver में. और ये क्या करेगा? It will destroy pathogen. It will destroy pathogen. Okay? Now, generally more than 20 complement proteins are there, but हम जो जनरली डिस्कस करेंगे दैट इज C1 टू C9 के बारे में. ठीक है. अब ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, ये ऑलवेज इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. नॉर्मल बॉडी में इनएक्टिव स्टेट में ये प्रेजेंट होंगे. इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होंगे. तो अब कोई पैथोजन आया, कोई बैक्टीरिया आया, तो क्या होगा? पहले हमें इस कॉम्प्लीमेंट को एक्टिव करना है. और वो कैसे करेंगे हम? जर्नली इसको एक्टिव करने के लिए तीन पाथवे होते हैं. सो थ्री पाथवेज आर देयर. कौन कौन से पाथवे हैं? फर्स्ट वन इज द क्लासिकल पाथवे. दिस इज द क्लासिकल पाथवे. सेकेंड वन इज द ऑल्टरनेट पाथवे. And third one is the lectin pathway. So we'll discuss about them one by one. Pehle we will start with classical pathway. To see, classical pathway mein kya hoga? Bacteria aya. Bacteria ka antigen yahan pe hai. This is what? This is the bacterial antigen. अब इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या होंगी? एंटीबॉडीज. तो दिस एंटीजन विल बाइंड विद एंटीबॉडीज. दिस विल बाइंड विद एंटीबॉडी. अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब बनेगा ना, तो ये क्या एक्टिवेट करेगा? दिस विल एक्टिवेट C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन. ओके. जब ये C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, तो ये टू थिंग्स में ब्रेक हो गया. वन इज C1A, अदर इज C1B. अब ये जो C1B बनाना, इसने क्या किया? दिस विल फर्दर एक्टिवेट C2 मॉलिक्यूल. दिस C2 विल ब्रेक इनटू टू थिंग्स. व्हाट आर दोस? C2A एंड C2B. Again, this C2B will further activate what? Now, C2B अब C3 नहीं करेगा, ये activate करेगा C4. This will activate C4. Okay? जब इसने C4 को activate किया और इसने break कर दिया C4 को, किसमें? C4A and C4B. Now, this C2B and C4B together, they will activate this C4B and C2B together will activate C3 complement. Aur C3 ab two parts mein break hoga, C3A and C3B.
बी। अब क्या होगा, ये जो सी थ्री बी है ना, अब ये किसको एक्टिवेट करेगा, सी थ्री बी विल एक्टिवेट सी फाइव, और सी फाइव अगेन टू थिंग्स विल बनेंगी उससे, क्या सी फाइव ए एंड सी फाइव बी। अब जितने भी ऐसे सेम सी सिक्स, सी सिक्स ए, सी सिक्स बी, ऐसे सब बनेगा। सो सी क्या क्या एक्टिवेशन होगी इसमें, सी फाइव बी, सी सिक्स बी, सी सेवन बी एंड सी एट, ये जितने भी होंगे सी फाइव टू सी नाइन जितने भी कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बनाएंगे, दे आर द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, दे फॉर्म मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड एज एम ए सी। ओके, सो सी वंस अगेन, सी वन ने एक्टिवेट होके सी वन बी और सी वन ए बनाया, जिसने फर्दर सी टू को एक्टिवेट किया, सी टू से सी फोर की एक्टिवेशन हुई, सी फोर और सी टू बी जो है इन्होंने मिलके सी थ्री को एक्टिवेट किया एंड फाइनली सी फाइव ने ऐसे करते करते सी नाइन तक एक्टिवेशन की। क्लियर अप टू दिस? नाउ ऑल्टरनेट पाथवे में क्या होगा, ऑल्टरनेट पाथवे में जो एंटीजन आएगा ना, ऑल्टरनेट पाथवे में जो भी एंटीजन आएगा, अब वो एंटीजन जब एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब वो ये सब सी वन सी टू सी फोर को एक्टिवेट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली किसको एक्टिवेट करेगा, इट विल डायरेक्टली एक्टिवेट द सी थ्री पाथवे, गॉट इट? और फिर जब सी थ्री एक्टिवेट होगा सेम प्रोसीजर विल कॉन्टिन्यू। अब हम थर्ड पाथवे की बात करेंगे, दैट इज लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे में अब क्या होता है, हमने बोला क्लासिकल और ऑल्टरनेट में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा था, बट लेक्टिन में ऐसा कुछ नहीं होगा, देयर विल बी नो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या होता है, मेनोज बाइंडिंग रिसेप्टर प्रोटीन्स एक्टिवेट करेंगे ये पाथवे, सो हियर विल बी मेनोज रिसेप्टर binding proteins will activate the pathway. Now, ये mannose receptors generally कहाँ present होते हैं, ये bacteria की surface पे होते हैं, they are present on bacterial surface, ठीक है, तो they have similar shape with, ये जो receptors होते हैं ना इनकी क्या similar shape होती है with the C1. ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अगर इनकी सिमिलर शेप है सी वन के साथ, तो ये जब सी वन को एक्टिवेट किया इन्होंने तो क्या बनेगा, सी वन ए एंड सी वन बी। अब फर्दर वही चीजें कॉन्टिन्यू होंगी, सी वन बी से बनेगा सी टू ए एंड सी टू बी, और ये सी टू बी क्या करेगा आगे, सी फोर को एक्टिवेट करेगा एंड सो ऑन, ये सेम वाला पाथवे जो हमने क्लासिकल पाथवे पढ़ा था ना वो सेम आगे कॉन्टिन्यू होगा। तो अब व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, देखो हमने फर्स्ट यहाँ पे क्या बनाया, हमने मेनली क्या किया, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाया, बिकॉज ऑफ दिस एक्टिवेशन ऑफ द पाथवे क्या बना, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इट विल डू सेल लाइसिस, ओके, जो भी बैक्टीरिया वाला सेल है ना उसको ये क्या कर देगा, मार देगा। दूसरी थिंग जो सेकेंड फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, दैट इज व्हाट, ऑप्शनाइजेशन, हमने डिस्कस किया है ऑप्शनाइजेशन क्या है, हमारी बॉडी बैक्टीरिया को विजिबल करती है टू डब्ल्यूबीसी, कि वो डब्ल्यूबीसी की नज़र में आ जाए, सो व्हेन बैक्टीरिया इज कवर्ड विद द ऑप्सोनेंस
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन. तो उसके लिए ऑप्सोनाइजेशन में हमने पढ़ा था ऑप्सोनिन्स की एग्जाम्पल क्या थी, दैट इज C3B. सो कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या बनाया, C3B. सी हियर वी हैव फॉर्म C3B. ओके, अब जो थर्ड फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट का वो क्या है, दैट इज कीमो अट्रैक्टेंट. कीमो अट्रैक्टेंट, यहाँ पे कीमो अट्रैक्टेंट्स भी तो बने हैं. सी दिस C5A, C3A, C4A, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर कीमो अट्रैक्टेंट्स. सो C3A, C4A एंड C5A, दीज आर कीमो अट्रैक्टेंट्स. सो इन दिस वे बाय द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यू कैन किल द बैक्टीरिया. सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.